पांचपावली थाना क्षेत्र में दिनांक 12 फरवरी रात 1 बजे के दरमियान पुलिस को पंचकुआ परिसर में आपसी विवाद में एक व्यक्ति के जख्मी होने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुख्यात गुंडे पर तलवार से वार करने वाले 3 कुख्यात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की जानकारी के अनुसार आरोपी रोहित नाहकर की साली से आशीष बडेल नामक युवक के साथ प्रेम संबंध थे। आशीष शादी करने में टालमटोली कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए पंचकुआ परिसर में आशीष बडेल, अभिषेक उर्फ भांजा गुलाबे और आरोपी रोहित मिले। इस दौरान फिर से विवाद हुआ और आरोपियों ने अभिषेक पर तलवार और पत्थर से वार कर उसे गंभीर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जिस कारण युवक की जान बच गई। तीनों आरोपियों को पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद सोनमने ने कार्यवाही को अंजाम दिया। येथील आरोपी रोहित नारकर याच्या सालीचे साक्षीदार आशीष बडेल यांच्यासोबत प्रेम संबंध सुरू होते आणि त्याच्यावरून आशीष बडेल हा सदर मुलीसोबत लग्न करण्यासाठी टाळाटाळ करत होता। यांच्या थोडा आपसनामा झालेला होता। रोहित नारकर आशीष बडेल यांचा मित्र जखमी अभिषेक उर्फ भांजा गुलाबे हा याला हे गोष्ट माहिती होती। सदर त्यांच्यामध्ये अजून आपसनामा करण्यासाठी रात्री 1 वाजता अभिषेक उर्फ भांजा गुलाबे हा नमूद घटनास्थळी गेला असता ते आरोपी रोहित नारकर श्याम बाबू कुसरे राजकुमार बंडू लाचवार याच्यासोबत अभिषेकाचे वादावाद झाले। या वादावादावर कारणावरून आरोपींनी जखमी अभिषेक यास तलवार विटा आणि दगडाने मानेवर छातीवर डोक्यावर मारून गंभीर जखमी केले व घटना संपवून गेले होते। वरून पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाल्यावरून पाचपावली पोलीस स्टेशनच्या पीटर मोबाईलने जखमी अभिषेक गुलाबे याला टाकून प्राथमिक पहिले समर्पण हॉस्पिटलला नेले। त्या ठिकाणी प्राथमिक उपचार झाल्यानंतर डॉक्टरांनी पुढील उपचाराकामी जखमी मेयो हॉस्पिटल इथे भरती केले। जखमीला त्या ठिकाणी लागलेच उपचार मिळाल्यामुळे त्याचा जीव वाचला। रात्री माननीय DCP सर लकडगंज, SCP सर लकडगंज व उपपोलीस साहेब पाचपावली यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र पोलीस ऍक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे व पुढील तपास सुरू आहे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पॉवर ऑफ 1 न्यूज को फॉलो कीजिए।